बारां छींपा बड़ौद कस्बे के आकाखेड़ी रोड स्थित राजस्थान किसान महापंचायत प्रदेश द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान महापंचायत प्रदेश के बैठक आयोजित हुई, जहां से प्रदेश संयोजक राजस्थान सत्यनारायण सिंह बालाखेड़ा के सानिध्य में आकाखेड़ी रोड स्थित से लेकर कस्बे के प्रमुख मार्गों पर होते हुए पुलिस कस्टडी में कस्बे के प्रमुख मार्गों से हनुमान चौराहा वासी नदी की पुलिया हार्ट जॉब सरकारी अस्पताल के सामने होते हुए सुभाष पार्क एवं बस स्टैंड पंजाब कॉलोनी पुराना छाबड़ा नाका चुंगी से होते हुए राजस्थान के प्रथम विशिष्ट पहचान रखने वाली लहसुन मंडी के सामने से गुजरते हुए छिपाबड़ोद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान महापंचायत के तथा छिपाबड़ोद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से जुड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी ने दोपहिया वाहन रैली निकाली गई तथा इस दौरान सभी वक्ता भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों में झूठ बोलकर एक भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होगी। हम उनके झूठ को किसानों के बीच में जाकर उजागर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने एमएसपी पहले ही खत्म कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2018 में इन्होंने एमएसपी में 75% कटौती कर दी। मात्र 25 क्विंटल एक किसान से खरीद की जाती है, जो ऊँट के मुंह में जीरा है। हमारी मांग है कि एमएसपी का सभी किसानों को समान रूप से लाभ मिले, सभी किसानों की फसल एमएसपी पर तुलाई हो उसको। दूसरी मांग है हमारी, एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 गुना भाव किसानों को मिलना चाहिए। तो आज इसे भ्रम को तोड़ने के लिए हम गांव में किसानों को जागृत कर रहे हैं, रैली प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं। और दिल्ली भी हम होकर आए हैं, दिल्ली फिर जाएंगे। हम दो मोर्चा पर लड़ेंगे, दिल्ली में भी लड़ेंगे और यहाँ गाँव में भी किसानों को जागृत करेंगे। आगे का क्या प्लान है सर? जब तक हमने संकल्प लिया है किसानों ने, जब तक एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तीनों कृषि काले कानून वापस सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, मांगे मनवा कर रहे हैं। शुभ नाम सर आपका? जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद।